हेलो गाइस, तो वेलकम अगेन टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, ये जो मैंने किया था ना पार्ट थ्री, पार्ट टू, पार्ट वन, तो उसका ही ये है पार्ट फोर। तो गाइस, ये पार्ट फोर है। तो मैं यहाँ पे 1v1 हो रहा है उसी बंदे के साथ, फिर से हो रहा है। तो इधर मैं ग्लूअल करते हुए जा रहा हूँ, पर वो मुझे मिल नहीं रहा कहीं। तो यहाँ मुझे पीछे से डैमेज पड़ता है, तभी मैं समझ जाता हूँ कि बंदा कतई पीछे है। तो मेरा पिंग के ऊपर भी ध्यान रखना है, मतलब पिंग थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, मतलब 100 से 200 के बीच है, या फिर कभी कभी 201, 203, 204, 205 ऐसा। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब हो रहा था पर बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ पे अच्छा खेल रहा हूँ, मतलब खेल पा रहा हूँ। वरना पिंग हाई मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मतलब जिसके वजह से एक प्रो बंदा भी नूब बन सकता है। यहाँ पे देखिए, पिंग के ऊपर 199, और इधर मैंने एक टू शॉटर की एक गोली मारी, फिर डबल क्राउच किया क्योंकि ग्लूअल नहीं लगा, उससे डैमेज पड़ा, बस लौंडा मर गया। पर मुझे पता नहीं, लास्ट जो मैंने शॉट मारा वो तो हेड था ना, इसका मतलब पहले जो मैंने गोली मारा उससे ही बंदा मर गया, वरना वो तो हेड था, हेड शॉट पड़ना चाहिए था। गाइस, यार ये है दूसरा राउंड, तो दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। इधर मैं भाई, मुझे लगता है मेरा दोस्तों, मतलब दो तीन दोस्तों का तो मतलब वो सस्पेंड हो चुका था अकाउंट, तो उनको पहले मतलब उन लोगों ने समझा नहीं, फिर 2-3 महीने बाद उनका अकाउंट बैक आ गया था। तो पता नहीं, इसे मैं इधर मारता हूँ, जाता हूँ, मार दिया, बस ख़त्म। ये राउंड भी ख़त्म हो गया। तो भाई उनका जो अकाउंट था वो तो उन्हें बैक मिल गया, तो मुझे लगता है वो यूएन बी स्ट्रॉम वाला जो आईडी है मेरा, वो शायद मुझे मिल जाए बैक, क्योंकि एक सीज़न तो बीत चुका है और एक सीज़न चल रहा है, तो दोनों सीज़न हो जाएगा, मतलब 2 महीने तो बीत जाएगा ना, तो शायद मुझे मेरा अकाउंट वापस मिल जाए। तो गाइज, आशा रखता हूँ कि मुझे वो अकाउंट मुझे मिल जाए। तो इधर मैं जाने की कोशिश किया और मैं नीचे गिर गया, तो वो जो मतलब इस बंदे के साथ खेल रहा हूँ ना, ये बंदा मुझे कह रहा था कि मेरे पास जोटा कैरेक्टर है। भाई जोटा कैरेक्टर से क्या होता है, मतलब जोटा कैरेक्टर जिसके पास रहेगा, इधर देखो क्या होता है सीन, बाद में बताता हूँ जोटा कैरेक्टर का एबिलिटी। इसे मैंने एक गोली मारा, यहाँ पे उसने ग्लूअल किया और मैं ग्लूअल में फंस गया, देखो भाई। और गाइस, आप लोगों को मतलब मेरे वीडियोस में सबटाइटल्स चाहिए या नहीं, ये आप लोग कमेंट कर देना कि सबटाइटल्स चाहिए या नहीं, तो मैं सबटाइटल्स प्रोवाइड करूँगा, वरना मैं सबटाइटल्स नहीं दूंगा। इसे मैंने एक शॉट मारा, यहाँ पे 2 शॉट मारा, ये फिनिश। तो गाइज, अब मैं कहता हूँ कि जोटा कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है। तो जोटा कैरेक्टर जिसके पास रहेगा वो एक पैसिव एबिलिटी है, तो उससे मतलब जो बंदे के पास रहेगा वो उसके ओपोनेंट को, अगर ये 1v1 में तो कोई काम मतलब नहीं आता, 1v2 में काम आएगा, क्योंकि एक बंदा आपको डैमेज दिया तो आप अगर उसको नॉक करके फिनिश कर देते हो तो आपको 40 HP मिलेगा। 40 HP आपको एवे नहीं मिलेगा, आप अगर उस एनिमी को शॉटगन या SMG सब मशीन गन से मारते हो तो तभी आपको 40 HP मिलेगा, वरना नहीं। तो फिर वो उस 40 HP को लेके आप दूसरे जो 1v2 कर रहे हो ना, तो उसका जो दूसरा बंदा है उसे आप मार सकते हो। तो इधर 1v1 में तो कोई काम का नहीं है वो, क्योंकि उसे 40 HP एक बंदे को मारने पे मिलता है, और इधर मैंने अगर इस बंदे को मार दिया तो मैच विक्ट्री हो जाता है। तो मतलब मेरा 40 HP, 1 HP लेकर भी मैं इसे अगर मार दूँ ना, तो मुझे 40 HP की क्या ही ज़रूरत है मेरे पास क्योंकि मैंने अगर 40 HP लेके इसे मार दिया, मतलब 1 HP लेके मार दिया, सॉरी 1 HP लेके मार दिया, तो 40 HP मतलब उसके मर जाने के बाद मैं 40 HP लेके क्या ही कर लूँगा। तो ये था उसका एबिलिटी। अरे इधर देखो मैं क्या करता हूँ, वो वहाँ से निकलेगा मुझे पता है, और मैंने ग्लूअल कर दिया, और इधर यहाँ पे जंप शॉट मार दिया, बस मर गया लौंडा। और गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी करना कैसा लगा, और मैंने छोटा कैरेक्टर का एबिलिटी सही बोला या गलत, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट कर देना, ओके, ताकि वो बंदा अगर मेरा वीडियो देखा मतलब देखेगा तो उसे समझ आ जाएगा। और गाइस, मुझे यहाँ पे कॉल आ जाता है एक, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाता, पता है ना, कॉल आ जाने पर मतलब फ़ोन थोड़ा लैग टाइप का करता है, तो
मतलब कॉल आ जाने पे मैंने मतलब कॉल पे बात करते करते मैं कह नहीं, तो मैं यहाँ पे उससे सिर्फ बच रहा था, मतलब मैं क्लोज फाइट मतलब उससे लेने नहीं जा रहा था। यहाँ पे देखो पता नहीं मेरा एज भी देखो 15-16-17 करके छोड़ दिया है, मतलब पता नहीं AWM से मारा या फिर कुछ और जिससे हेड उठ गया हो, मतलब टू शॉट आता शायद। तो यहाँ पे मैं फिर से निकलता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वो बंदा किधर है, पीछे जोन आ रहा है और मुझे निकलना है। तो मैं हाँ याद आया, मैं यहाँ पे ग्लूअल को दे रहा हूँ, पर ये ग्लूअल है कि मतलब मेरा पिंग के वजह से ये ग्लूअल बढ़ ही जा रहा है। ग्लूअल ये देखो मतलब इतना सारा ग्लूअल हो जाता है ना जब पिंग। दो गोली मारा इधर, फिर से एक दो मारी, चार गोली मारा टू शॉटर का भाई। अब फिर से इसने मुझे मार दिया 1887 से टू शॉटर से मार दिया। तो मैं टू शॉटर से चार गोली मारी फिर भी नहीं मारा, कैसा लौंडा है यार। फिर मैं यहाँ पे AWM ले लेता हूँ और क्या लेता हूँ टू शॉटर। तो मैं AWM टू शॉटर ले लेता हूँ और मैं सीधा जाता हूँ रश करने। मेरा कॉल इधर कट गया था तो मेरा पिंग आगे से मतलब पहले जैसा दे रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा दे रहा था। और मैं देखो यहाँ पे इतना सारा ग्लूअल करूँ फिर भी मतलब कितनी लेट ये ग्लूअल जा रहा है मेरा। मतलब नॉर्मली तो तीन ग्लूअल करने के बाद चौथा जो ग्लूअल होता है उसको मतलब करने पे वो तीन ग्लूअल चला जाता है। तो इधर क्या हो रहा है, तो तीन ग्लूअल क्या, 4-5-6-7 बहुत सारे ग्लूअल एक साथ लग रहा था। तो मैं यहाँ से फिर से यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे निकलने का कोशिश करता हूँ, भाई कितना सारा ग्लूअल है भाई, देखो यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने क्राउच ग्लूअल किया, फिर यहाँ पे M18 की दो शॉट, फिर मैंने AWM से मारा, पर गलती से मेरा AWM मैंने रिलोड पे डाल दिया और उसने मेरे को मार दिया। तो गाइज यहाँ पे उसने दो उठा लिया और मेरा अभी तक 5 है। तो गाइज इसका इस गेम प्ले का जो पहला राउंड था डिजर्ट वाला, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इसके लिए सॉरी। मतलब वो राउंड मैंने ही जीता था तो वो राउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बहुत अच्छा वन टैप मारा था मैंने भाई, रोटेट शॉट मारा था। तो आगे देखिए क्या होता है। तो गाइज इस राउंड में वो इस तरफ आ रहा है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ग्लूअल के ऊपर मैं, अरे मेरा मतलब एम अलग मतलब उस तरफ हो गया, अरे मुझे बहुत सारा डैमेज दे दिया। तो मैं यहाँ पे इसको मारा टू शॉटर का भाई, देखो क्लोज से दो गोली मारा मैंने, कितना कम डैमेज हुआ भाई साहब, 15 HP, इसका सिर्फ 15 HP टिका हुआ था भाई। तो गाइज यहाँ पे मैं फिर से रश के मोड में मतलब रश करने जा रहा हूँ, तो सीधा रश करने जा रहा हूँ। देखो भाई पीछे मैंने एक ग्लूअल दिया, फिर सामने चार ग्लूअल दिया भाई, 4-5 ग्लूअल लग गया भाई, इतना सारा ग्लूअल लग रहा है भाई। देखो मतलब ये जो ग्लूअल वाला ग्लिच है ना भाई बहुत हार्ड है भाई, इतना सारा ग्लूअल, पीछे भी ग्लूअल है भाई, मतलब अरे डैमेज दे दिया मुझे, मैंने आलोक चालू कर दिया। तो यहाँ पे अरे 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 चलो अब देखो मैं क्या कैसे मारता हूँ इसे, मतलब वो समझ रहा है मैं उस तरफ से आऊँगा, तो मैं इधर से ऐसे करके जाके उधर उसे सरप्राइज अटैक करता हूँ। मतलब इसे पीछे से जाने, मतलब पीछे से जाना नहीं कहते, मतलब उसे सरप्राइज अटैक दे रहा हूँ, ये समझ रहा है इधर है हूँ मैं। तो मैं इधर उसे डैमेज दे दिया दो गोली। फिर भाई यहाँ पे जो हो रहा है ये कोई क्लिच नहीं, ये मतलब सही चल रहा है। इधर मैंने दो गोली मारा, फिर इधर दो गोली ख़त्म, मतलब उसने आलोक चालू कर दिया था शायद, इसलिए मतलब चार गोली मारना पड़ा, वरना दो गोली से हो जाता। यहाँ पे मेरा हो चुका है 6, उसका है 3। अब इस राउंड में देखिए क्या होता है। तो गाइज मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैं इसे इमोट शॉट मारूँ, पर यहाँ इतना दूर से इमोट शॉट मारना मतलब खतरनाक है, मतलब फिर भी हेड लगा। तो टू शॉटर से इतने दूर से मतलब गजब बेइज्जती। तो यहाँ पे मुझे डैमेज दे दिया, मैंने आलोक चालू कर लिया, मुझे पता है उसे मतलब पता था कि मेरे को बहुत उसने डैमेज दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे दो गोली मारी, वो ग्लूअल लगाते हुए पीछे चला गया। तो मैं यहाँ पे रिपेयर किट से मेरे वेस्ट और हेलमेट को रिपेयर कर लेता हूँ, तो वो उधर जा रहा है। अब मेरा कभी कभी ग्लूअल नहीं लगता क्राउच करने पे, मतलब ऐसे गोली चल जाता है। और इधर मैंने आया और मार दिया। गाइज यहाँ पे हो चुका है हमारा विक्ट्री यानी कि बुया। तो गाइज तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ये था आज का वीडियो,
कैसा लगा कमेंट करना। तो गाइस अगर आप मतलब शेयर भी कर देना। तो गाइस ये था आज का वीडियो गाइस, सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।